light, reflection and refraction. Today we cover the rule for image obtained by concave mirror and convex mirror. ये बोर्ड एग्जाम के परपस से बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आ जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। देखिए क्या रूल है, रूल फर्स्ट ये है कि कंटेनर मिरर है ऊपर वाले तीनों, फर्स्ट रूल है कि अगर कोई लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा, फोकस से, कहां से जाएगा, फोकस से। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर कोई लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा, फोकस से। दूसरा रूल क्या है, जस्ट इसी का रूल है कि अगर कोई लाइट इस कहां से जा रहा है, फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तीसरा रूल है कि अगर कोई लाइट इस कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। बात समझ में आया। तो एग्जाम में कैसे देता है, आपको ये ऊपर वाला दे देगा, क्या देगा, कंप्लीट द फिगर। तो आपको ये देखना है कि अगर ये पैरेलल है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा, फोकस से, ठीक है ना। और अगर फोकस से जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। यहां पे अब देखिए इसमें यह है कन्वेक्स मिरर से, ये किस मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये तो डायरेक्ट यहां नहीं जाएगा, ये पहले इधर की ओर घूमेगा, लेकिन अगर हम इसको नीचे की ओर डॉट करेंगे तो ये देखो कहां से जा रहा है, फोकस से। दूसरा देखिए ये लाइट देखिए कहां से जा रहा है, फोकस से जा रहा है, जाता नहीं है, अजम्पशन है हमारा, कहां से जा रहा है, फोकस से। तो देखो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तीसरे रूल में जस्ट वही कि अगर ये देखो कहां से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जाता नहीं है, अजम्पशन है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया, उसी पाथ पे क्या हो गया, वापस हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा रूल था, इस रूल का यूज हम आगे के टॉपिक्स में करते हैं, इसलिए इस रूल को आपको घर में प्रैक्टिस करने का जरूर